तो लोगों ने हजरत अबू बकर के हाथ पे बैत कर ली कि जिसको नबी ने हमारा इमाम बनाया हम भी उसको अपना इमाम बनाते हैं। हजरत अली समेत सारे सहाबा ने हजरत अबू बकर की बैत की। बैत बैत जिनको समझ नहीं आती वो समझें। अगर कोई ये कहे कि नहीं हजरत अली का हक था और हजरत अबू बकर ने नहीं दिया, तो हजरत अली का लकब क्या है? ऊंची कहे शेर खुदा, तो शेर खुदा चुप क्यों बैठे रहे? मुसलमान देख कुरान और समझ दीने नबी। मुझे एक मौली ने कहा कि अगर वो सच्चे नहीं थे तो अली ने उन्हें जिंदा क्यों रहने दिए? अली के मुकाबले पर जो बने थे, अगर वो सच्चे खलीफा नहीं थे तो अली ने उन्हें कत्ल क्यों नहीं किया? मैंने कहा अल्लाह के मुकाबले पे भी तो तीन झूठे खुदा बन के बैठे थे। सलामत रहो खुदा तुम्हें आबाद शाद रखे। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो अली की हिमायत में बुलंद होते। अब ये कुछ लोगों का अकीदा गलत है कि जनाब अगर उनके ताल्लुकात अली से अच्छे न होते तो मौला अली उन्हें मसले क्यों बताते? सवाल पर बड़ी तवज्जो चाहता हूं। एक तो ये मेरा दावा है मिंबर रसूल पर कि मजहब शिया पर कोई भी सवाल नया नहीं हो सकता। ये सारे पुराने तीर हैं जिन्हें तेज कर करके हर जमाने में ये अपने शैतान को राजी और खुश करते हैं कि जी अगर मौला अली इनको हक का खलीफा न समझते होते तो वो इन्हें मसले बताते क्यों? एक जवाब है शेख मुफीद अलैह रहमान, उन्होंने फरमाया कि अगर ये खुद को सच्चे खलीफा समझते थे तो अली से मसले पूछते क्यों? आले मोहम्मद आपको सलामत, खुश हो बो मेरा जान। अगर वो खुद को खलीफा पर हक समझते थे तो वो मसले खान साहब किबला अली से पूछते क्यों थे? और बाकी रह गया ये मसला कि जब भी इन्हें कोई मुश्किल पेश आई, जब भी इन्होंने कोई सवाल पूछा तो मौला अली ने इनकी मुश्किल कुशाई क्यों की? अगर मौला अली के इनसे अच्छे ताल्लुकात न होते तो अली मसले बताता क्यों? अली हलाकत से बचाता क्यों? अली मुश्किल कुशाई करता क्यों? तो जवाब यह है कि अगर तुम में जरा सी भी अक्ल हो तो क्या तुम्हें याद नहीं है कि फिरौन सांस लेता था हवा अल्लाह देता था, फिरौन खाना खाता था अल्लाह देता था, फिरौन जिंदा रहता था, जिंदगी अल्लाह ने दी थी। अब अगर कोई जाहिल और बेवकूफ ये समझे कि अल्लाह और फिरौन के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे क्योंकि हवा अल्लाह देता था, क्योंकि रिज़्क अल्लाह देता था, क्योंकि खाना अल्लाह देता था, नहीं, लेकिन अकलमंद ये बात समझाएगा कि फिरौन जैसे मलून दुश्मन को रिज़्क देना अल्लाह के रब्बुल आलमीन होने की दलील है और दुश्मनों को हलाकत से बचाना अली के मुश्किल कुशाए कायदात होने के। सलामत आबाद शाह।